दोस्तों ये व्लॉग थोड़ा पुराना है और व्लॉग लेट आने की वजह आपको बताइए, तो आप इसे भी इंजॉय करिए। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और हम सभी तैयार हैं घर से फरार होने के लिए। फरार होने की लिस्ट में शामिल हैं अमित भैया, अश्वनी भैया, पुनिया भैया ठेस बुद्धि, मैं और NITN सौरभ भाई। पर इतनी रात को हम सभी जा कर रहे हैं, हम सभी जा रहे हैं दिल्ली। और इतनी रात को हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं आप वो देखिए, जब तक मैं थोड़ा सो लेता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, कुछ दिन पहले हमारे अश्वनी भैया आए थे पर इनके साथ मयंक भैया नहीं आया था, और आज मयंक भैया आ रहा है पूरे 5 साल बाद। और मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए, क्योंकि मैं और मयंक भैया बचपन से साथ में रहे हैं और आज पूरे 5 साल बाद मिलेंगे तो अंदर से एक अलग ही खुशी हो रही है। अभी हम आ चुके हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मेरे और मयंक भैया के आने का टाइम है 6 बजे का, और हम उसके आने से 2 घंटे पहले ही पहुंच चुके हैं। तो टाइम हो रहा है 4:17। हाँ टाइम हो रहा है 4:17 और उसके आने का टाइम है 6 बजे का। तो गाड़ी में देखिए सबके हालात बता पाऊँगा आपको कैसे हैं। यहाँ पे हमारे अमित भैया सो रहे हैं, अश्वनी भैया, पूनिया भैया। तो जब तक 6 नहीं बजते हमें इस गाड़ी में रहना है जब तक इन सबकी नींद भी पूरी हो जाएगी। तो अभी 6 बजने में बस आधा घंटा बाकी है, चलिए वहीं चलते हैं तैयार होके, है कि नहीं भैया? चले ये तो अपनी नींद के नशे में है पूरे। तो जैसे ही सभी अपनी नींद के नशों से मुक्त होते हैं हम सभी निकल जाते हैं मयंक भैया को लेने के लिए। तो ठेस बुद्धि आज मयंक भैया पूरे 5 साल बाद आ रहा है। हाँ। जो कि हमारा बचपन का बहुत करने वाला दोस्त भाई है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे मतलब कैसा लगेगा? अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तो जल्दी से हम मयंक भैया के करीब पहुँचते हैं, हमारा 5 साल का इंतजार खत्म हो जाता है। इस नज़ारे को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं GTA खेलने आ गया हूँ। तो जैसा कि भैया जी आप आ चुके हो इंडिया, तो आपको सबसे पहले वेलकम टू इंडिया, आपका घर है। तो कैसा लग रहा है तुम्हें हमसे 5 साल बाद मिले? बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। बढ़िया तो लग रहा है, हमें भी बढ़िया लग रहा है। हमारे भैया पे 20,000 का चश्मा है जो कि हम कभी भी चोर सकते हैं भाई, संभाल के रखेंगे भाई। तो ये है हमारे भाई, नॉर्मल चश्मा भाई, 20,000 का चश्मा देख लेते। तो दोस्तों ये है हमारे मयंक भैया का 20,000 का चश्मा। तो इस चश्मे में बिल्कुल चोर लग रहा हूँ, तो अपना चश्मा अपने पास रखिए। तो जैसे ही मयंक भैया गाड़ी के पास आता है हम इसे फूल देके इसका स्वागत करते हैं। ये हमारा स्वागत हो रहा है। तो अभी हमने मयंक भैया को एयरपोर्ट से उठा लिया है, गाड़ी उठा लिया है और हम जा रहे हैं इसे घर लेके। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने देश आके 5 साल बाद। फिर ये कहता है कि इसे बहुत तेज भूख लगी है, और भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी थी। तो बहुत देर तक सोचने के बाद सभी डिसाइड करते हैं कि साउथ इंडियन खाना खाएंगे, और आज पहली बार हमारा ठेस बुद्धि बहुत ही ज्यादा शांति से खाना खा रहा था। तो हम अपने मयंक भैया को खाना पीना खिलाकर एकदम आगे बिठा के ले जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम राजा की तरह, राजा बाबू जी की तरह। गाड़ी चला रहे हमारे अमित भैया, और ये रहे हमारे NITN भाई साहब, ये रहे हमारे अश्वनी भैया जी, ये हमारे पुनिया चुनिया भैया जी, और ये छोटी भैया के उनसे क्या कहते हैं एप्पल की उनसे। खाना पीना खाने के बाद सभी को नींद के नशे होने लग जाते हैं। और हाँ पता है दोस्तों, इस कार को इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा कैजुअल। अब मैं सोचता हूँ क्यों ना इन्हें नींद के नशों से मुक्त करा जाए। नर्वस फील मत होइए भैया जी, आपका ही घर है, 5 साल बाद आए तो क्या हुआ। तो जैसे ही हम घर पहुंचते हैं इसका स्वागत जोरों शोरों से करा जाता है, और 5 साल बाद आया है तो सम्मान देना थोड़ा बनता है। और हमारे स्वागत में यहाँ पे नमकीन बिस्कुट रख दिए गए हैं, तो हम खा लेते हैं। तो हमारे मयंक भैया जी, हम तो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं वहाँ से आने के बाद। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही भयंकर वाला कॉम्पिटिशन हो गया है NITN भाई के बीच और अश्वनी भाई के बीच, है कि नहीं? तो देखते हैं कौन अपने इस आर्म रेसलिंग में कौन जीतता है। छोटू या के मोटे मोटे डोले, 3, 2, 1। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? और यहाँ पर दोनों के बीच टक्कर होती हुई भयंकर वाली और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टक्कर, और ये छोटू या हार गए, और हार के वो जीत गया। अब हराया मैंने, अब हराया मैंने। आइए और अब YouTube के दो महारथियों के बीच महामुकाबला, NITN सौरभ वर्सेस द रोम और अमित। अब देखते हैं इस आर्म रेसलिंग के मैच में कौन जीतता है। ये NITN सौरभ है जो रोज जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, और यहाँ पे मैच स्टार्ट होता हुआ, और ये जिम वाले बंदे हैवी वेट वाले बंदे, और यहाँ पे हैवी वेट वाले बंदे हार चुके हैं, एक लाइट वेट वाले बंदे। बच्चों से क्या लड़ रहा भाई? मैं तो नहीं। नहीं। दोस्तों वैसे अश्वनी भैया हारते नहीं थे क्योंकि इनके कंधे में होता है दर्द, मतलब इनके कंधे में इंजरी है छोटी सी, तो उस वजह से ये पंजा लड़ाते नहीं है, पर हमारे कहने पर इन्होंने पंजा लड़ाया तो और ये हार गए। तो इसमें भैया जी आपकी कोई गलती नहीं, हमें यहाँ पे बहुत भरोसा है। और यहाँ पे
तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और हम सभी नहा धोकर आ गए हैं और मस्त एकदम फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है सभी को। तो ऐसे मस्त मस्त अच्छा सा फील हो रहा है सभी को नहा के धोके। भाई पंकज भाई कसम दी, आपको पता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं? भाई हमें नहीं पता कहाँ पे जा रहे हैं, भैया लेके आ रहे हैं, जहाँ पे वो जाएंगे हम वहाँ पे जाएंगे। जहाँ तक मेरा अंदाजा है हम नाइट आउट पे जा रहे हैं। ले ले बस तुम्हें भाई, रात को घर से बाहर रहना ही नाइट आउट होता है। बस नहीं निकल तो जा, चाहे एक घंटे के लिए निकल, वो भी नाइट आउट है। रात आउट बोल दो, रात आउट, रात आउट। तो अभी मैं आता हूँ अपने खेत पर और हम सभी रेडी हैं जाने के लिए एक नाइट आउट पे। और नाइट आउट पे जाने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं इस बुलेट का जो कि हरेश भैया की है, और इस स्कूटी का, एक्टिवा का जो कि राखी की है, और अमित भैया का जो कि हमें नाइट आउट की परमिशन दिलाते हैं। तो अभी हम सभी आ गए सदर की चाट के लिए, जो कि केसुद्दी की सबसे फेवरेट जगहों में से एक है। भाई बहुत मजा आएगा यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और हमारे बड़े भैया भी खाएंगे हमारे साथ, पाँच साल के अंदर भैया का सारा फेवरेट मिल गया। सारा तुम्हारे मयंक भैया का सारा फास्ट फूड फेवरेट है, तो आज सारा फास्ट फूड खाना। सबसे पहले हम स्वाद लेने आ गए कबाब पराठा का, जो कि भैया जी ने बोला है कबाब पराठा खाने के लिए। तो आपने कभी खाया है कबाब पराठा? जैसे ही कबाब पराठा हाथों में आता है, फिर देखते ही देखते पता नहीं कहाँ चला जाता है। भाई एक और दियो, एक और। तो दोस्तों पराठों का हाल कुछ ऐसा है कि ये आने से पहले ही, मतलब आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। भाई लाते हो, गायब कर देते हो, कम से कम मुझे हो। अमित यार टेस्ट कर दे भाई, अमित यार के साथ ये नाइंसाफी हो रही है बहुत बड़ी। मैं जा रहा हूँ भाई, अब तुम खाते हो। रुमाली रोटी, ठीक है, मलाई चाप विद दो रुमाली रोटी, पनीर बटर मसाला विद दो। तो फास्ट फूड की तलाश को खत्म कर हम सभी निकल जाते हैं खाना खाने के लिए। तो फास्ट फूड की तलाश को खत्म करते हुए हम आ गए मेन कोर्स खाने, जो कि भैया जी की डिमांड थी। इसकी भी नहीं थी, क्योंकि इसे फास्ट फूड बहुत अच्छा लगता था न्यूजीलैंड जाने के बाद। मुझे तो खाना अच्छा लगता है, आई ओनली ईट खाना। हमें तो जो मिल जाए वो अच्छा लगता है, आई ओनली ईट खाना। हाँ तो मतलब खाने भी सब खाना। ओके भाई सुन, मैं खेल दिखाता हूँ तुम्हें, ये ठीक है, ये जादू का पिंजरा, ये एक ठीक है, अब मैं इसे डालूंगा इसमें गई बड़ा गई। अब बताओ इसमें से दो बना दूँ? हैं हाँ दो बना दूँ, और बना दिए तो क्या देगा? हैं तो बना तो सही, हैं बना तो सही, बनाता हूँ ठीक है। ये भगवान क्या जुलूम है। खाना ऑर्डर करने के बाद जैसे ही हमारा खाना आता है, इस बार सभी बड़े प्रेम से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हमारा नाइट आउट होता है खत्म। आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए। हेलो गाइस, सक्सेस ऑर्डर करना है।